जी आज आपने ये चक्का जाम करने का बीड़ा उठाया, आप सरकार के खिलाफ, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये बीड़ा उठाया आपने। मैं पार्टी के खिलाफ कोई धरना नहीं है, जो उच्चतम न्यायालय ने जो कानून बनाया है, जो था हमारा, उसमें जो तब्दील करी है, उसके खिलाफ हम पहले समाज के साथ हैं। पार्टी हमारी है, पार्टी के साथ हम विचार, पार्टी एक विचारधारा है, जो हमारा समाज है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, वो सबके लिए है। सर, अनंत कुमार हेगड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था हम तो संविधान ही चेंज करने आए हैं। जब आप जैसे लोग जब कोर्ट संसद में बोल रहे हैं और अपनी पद की गरिमा को दिखा रहे हैं, तो आप लोग उस समय शांत थे? देखो, हेगड़े साहब ने क्या बोला है, मैं उसका मुझे नॉलेज भी नहीं है, पर यह है कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जो बाबा साहब कह गए हैं हम उनके साथ हैं, पार्टी हमारी एक विचारधारा है, पार्टी हम किसी पार्टी के साथ रहें, पर पहले हमारा समाज और संविधान, हमारा संविधान बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम नहीं बच पाएंगे। पार्टी कोई भी हो, किसी का राज होता है, उच्च न्यायालय का अपनी एक सोच होती है, हर कानून में चेंजिंग और तब्दीली है, जिंदगी का नाम या समाज का काम है, जो चेंजिंग करेगा वो जिएगा। चेंज करना जरूरी है, पर यह है कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ उसे बर्दाश्त नहीं कर जाएगी। चेंज करना जरूरी है, तो आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रूल है कि हम संविधान को भी चेंज करेंगे? संविधान की, यही तो मैं आपको, आप बात घुमा रहे हो, बात जो मैं, हाँ, अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी इस तरीके से निर्णय लेती है तो उसके अंदर सरकार को इन्वॉल्व कर दिया, और सरकार के जो एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी, सोलिसिटर वहां जाके अपनी बहस करते हैं, ओपिनियन देते हैं, लेकिन सरकार ने किसी को नहीं भेजा। देखो, उच्चतम न्यायालय का अपना काम है, अपना एक कानून है, वो अपना संशोधन लाते हैं, वो कर सकते हैं। हमारा काम अधिकार है, जो हमारे साथ गलत हो रहा है हम उसकी पुरजोर विरोध करेंगे, और आज इसीलिए भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। मानना है कि हम पहले समाज के साथ में, पहले हमारा समाज है, पहले संविधान है, बाद में पार्टी है। जी बिल्कुल, बाबा साहब पहले हमारे सर्वोपरि, जिन्हें हमें जीना सिखाया है और स्वान से रहना सिखाया है, जिसका जो आज महिला जो चल रहा है, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए जो लागू आरक्षण, हमारे लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण सबके लिए, ये तो हमारा नाम बदनाम कर दिया गया, अनुसूचित जाति, ये अनुच्छेद था, अनुसूचित जाति कोई नहीं है, हमारे ये तो कह दिया, लोग चमार हैं, ये अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति कोई नहीं है, कोई अनुसूचित, ये अनुच्छेद नंबर था जो हमें संविधान में दिया गया था, अधिकार जो दिया गया था वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को अनुसूचित जाति कर दिया गया, पर जो संविधान के साथ छेड़छाड़ है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी पार्टी का समाज हो, राज हो, पर अब पहले हम अपनी समाज के साथ हैं, समाज का उद्धार होगा तो हमारा भी उद्धार होगा। अच्छा, आपने यहाँ सुबह जब टेंट लगाया और यहाँ धरने प्रदर्शन की मुहिम चलाई, तो यहाँ पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ में? देखो, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत, उन्होंने कहा शांतिपूर्वक होना चाहिए, और हम शांतिप्रिय आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं, आज हमारे समाज से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई समाज में नहीं है, और हम कानून, संविधान, सबकी गरिमा को रखते हुए उसको फॉलो करेंगे, जो उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, जो पिटीशन डाली है, उस पिटीशन का विरोध करेंगे। अभी कोई संविधान लागू नहीं होगा, जो चेंजिंग होनी है CST कानून में, वो अभी कोई लागू नहीं हुआ है, सिर्फ अभी उसका पिटीशन डाली गई है, उस पर बहस चल रही है, बहस में जो होगा हम उसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो लागू कर देंगे उसे तोड़ने का काम करेंगे।